रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज नजरे राजनीति पर में आज हमारे साथ बांद्रा ईस्ट असेंबली 176 के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शेख अब्दुल रहीम जी हमारे साथ मौजूद है, और जो जनता की सवाल है हम उनसे आज बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, क्या जनता बड़ी बड़ी पार्टी छोड़कर आपको क्यों वोट दे और आपको क्यों वोट दे? देखो, नेता लोग जो आज तक के जो काम किए तो उन लोगों को खुद को भी मालूम है, पब्लिक को, कि क्या किस तरीके से पार्टी लेवल वाले काम करके निकल जाते हैं, और उनके अभी जनता को चाहिए कुछ नवा वैरायटी, तो वो हिसाब से अगर हो सकता है वो पक्ष को दे दे। सर, हमने आपको देखा है, आप दीवान बिल्डर्स के लिए काम करते थे, तो क्या ऐसा प्रॉब्लम और प्रलोभन हो चुका है कि आपको दीवान बिल्डर छोड़ के एक कैंडिडेट के रूप में आम जनता के लिए आपको खड़ा रहना पड़ा? नहीं, मैंने बहुत कुछ उधर काम किया, और बहरहाल जो भी उनका मतलब वो था, लेकिन मेरे को अभी जब पब्लिक का जब मैंने रेमो गरम देखा तो दिल मेरा गवारा नहीं करा उसके वो चीज़ के लिए, तो मैं अभी सोचा पब्लिक के लिए फ़ाइट करूँ और पब्लिक का हक जो है वो दिलाने की कोशिश करूँ। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मैंने कुछ उधर किया था प्रोग्रेस, उसको मैंने कवर अप करके दिया और उन लोगों को शिफ्टिंग भी दिया। बाकी अभी मुद्दे ऐसे आ गए कि उनसे मेरे को मतलब बैठना नहीं पड़ा, इसके से मैं अपने आप को रिज़ाइन दे दिया। एक महीना पहले मैंने रिज़ाइन कर बोला उनको, अभी उनकी मर्जी है, उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट किया नहीं लेटर, लेकिन मैं तो छोड़ चुका हूँ वहाँ पर और वन साइड में खड़े रहकर ये काम कर रहा हूँ। और मेरी तमन्ना यही है कि अगर मैं जीत के आऊँगा तो मेरी कंस्टिट्यूएंसी में कुछ करूँ, मेरे मोहल्ले में कुछ करूँ मैं। सर, मतलब हमें आम जनता को लगता है कि दीवान बिल्डर में कुछ कमी है, तो क्या आप तो काम हमने देखा आपको, आप दीवान बिल्डर के लिए काम करते थे, क्या दीवान बिल्डर में कुछ स्कैम और घोटाला है? नहीं, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगा, लेकिन पब्लिक का जो है जो सिस्टम, जैसे बहुत से लोग होते हैं नॉन कॉपरेटिव मेंबर, जो मोहल्ले के अंदर एरिया के अंदर नॉन कॉपरेटिव मेंबर होते हैं, जो पुनर विकास के काम के अंदर थोड़ा बहुत हिचकिचाट हो जाते, कोर्ट केस हो जाते, कुछ हो जाते, उस तरीके के बाधाएं आने से तो कोई भी डेवलपर हिंदो चाहे आम जनता हिंदो तो परेशान होना ही है। सर, अभी अगर आप विधायक बनते हो तो भारत नगर के लिए जो डेवलपर है, बिल्डर है, और जो गोलीबार में डेवलपर है, बिल्डर है, तो लोग 2 साल बोल के 8 साल हो गया ट्रांजिस कैम में मरते हैं, बोलते हैं नर्क की ज़िंदगी है, तो नर्क की ज़िंदगी से स्वर्ग की ज़िंदगी में आप कैसे लिखाओगे अगर आप विधायक बनते हो? जो उनका सीक्वेंस जो पेपर वर्किंग है तो उससे पहले उस वो चीज़ को पहले कंप्लीट करवाएंगे, और उसके बाद वो डेवलपर से ही बात करेंगे कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से करना है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन लोगों को उनका रिहैब मिल जाए, ये कोशिश करूँगा उसको। भारत नगर, खेरवाड़ी, गोलीबार, शांतिनगर कंपाउंड आपके बड़े बड़े इलाके हैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो यदि आप विधायक बनोगे तो क्या सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, क्या फिर आप जो इलाके में रहते हो उन्हें इक्वल ज़्यादा ट्रीटमेंट मिलेगा और आप वही इलाके के लिए ज़्यादा काम करोगे? देखो, तुमने ये सवाल जो पूछे बहुत अच्छा सवाल पूछे, मैंने अभी तक के मेरी रैली भी नहीं हुई ना मेरा कुछ हुआ, ये मेरे मोहल्ले में, क्योंकि सबसे पहले मैंने बाहर का मोहल्ला जाके देखा, बाहर के घर घर डोर टू डोर जाके देखा, पहले उनकी समस्या जो है वो पहले मुझे हल करना है, और मेरे गांव की भी समस्या हल करना है, मेरे लिए सब इक्वल रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, वो मेरे सेठ रहेंगे, मैं उनका गुलाम हूँ। तो हमने बार बार सुना है आप गाँव बोलते हो, तो क्या आप मुंबई तो शहर है तो आप गाँव क्यों बोलते हो? जैसे कि देखो, अभी यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, तो मेरे लिए ये गाँव हुआ ना, तो ये आपके गाँव का बच्चा है ना, मैं इनके गाँव का बच्चा हुआ, फिर तो ये गाँव के बच्चे को और लाल को आम जनता से और आपके जो रहवासी से प्यार मिलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद करो। जबकि ऐसी अभी लोग इसमें मोहब्बत इतनी दिखा रहे कि मतलब मेरे साथ रैली में धूप में प्यासे इसमें मेरे साथ घूम रहे फिर रहे, तो इससे बड़ा प्यार और क्या देखूँ मैं। सर, अब बात उठता है हमारे जो युवा पीढ़ी है और मेन बांद्रा ईस्ट इलाके में हमारे युवा जो लोग हैं, युवा भाई है, ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, तो यदि आप विधायक बन के आते हो तो आप उनके लिए आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या एक्शन आप उठाओगे? उनके लिए तो स्ट्रॉन्ग एक्शन उठाऊंगा, जो लोग ये कारोबार चला रहे तो उनको तो सीट कराऊंगा पहले में। और तो जैसे कि अभी थोड़ा बहुत भी मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरा फ्रेंड है रॉफ, उसने तो कंप्लेंट किया था उधर कमिश्नर को ये चीज़ के बारे में, उसके ऊपर कुछ एक्शन भी चालू हुआ, बी के सी ने बहुत जगह मतलब और खेरवाड़ी बहुत से लोगों ने मतलब इसके ऊपर कार्रवाई चालू की है, जो अभी आजकल ये युवा पीढ़ी नशे में जो मुख्तला है वाइट पाउडर में, उसके ऊपर एक्शन भी लिया था उस महिला सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो रात को यदि हम शहर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, लेकिन बांद्रा इलाके में हमारे जो महिला बहन है तो उन्हें रात को 10 बजे के बाद घर से निकलना डर लगता है, तो इसके लिए सिक्योरिटी के लिए
उन्हें सिक्योर फील होने के लिए आपका क्या रणनीति रहेगा? देखो मैं तो अगर जिस टाइम में मैं जीत के आया तो मैं मेरे एक सेल नंबर मेरा रखूँगा जो उनको मतलब हेल्प करने के लिए, उनके लिए अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता तो मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें और वो जगह पे मैं जाके पूरा तक वो करूँगा और उसके लिए बेस्ट से बेस्ट जितना हो सकेगा उतना अच्छा सिस्टम लागू करूँगा। और हेल्थ हाइजीन और स्वच्छ बैंड्रा के लिए आपका क्या रणनीति रहेगा, आप क्या प्लान ऑपरेशन रहेगा? भैया तो जो जितने भी डस्टबिन है उसको तो सही तरीके से मतलब करवा दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि मतलब साफ़ सुथरा रखने के लिए करवाने के लिए जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कोशिश करूंगा कि दवाखाने जैसे कि अभी देख लो जनरल हॉस्पिटल है सांता क्रूज का, उसमें बराबर प्रोवाइड नहीं है, वहाँ के लोग कुछ बोले कि वहाँ पर बराबर मतलब सुविधा नहीं है, वो सब सुविधा प्रोवाइड करवाना है। सर आखिरी क्वेश्चन, आपका मैनिफेस्टो, आपका घोषणा पत्र और आप जीतने के बाद क्या चीज़ आप प्राथमिकता में लोगे आपके मतदार के संग रखिए? पहली बार तो यही मैं जो आपको बताया मैंने, तो इसके ऊपर तो मुझे फुल तरीके से मतलब मैं योगदान दूंगा इसमें और उसको कम्प्लीट करने की जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कम्प्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो जनता को आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए, उनका बेटा हो तो भरोसा ही करेंगे ना मुझे। तो इलेक्शन बहुत करीब है, दो शब्द आपके वोटरों के लिए जो बैंड्रा ईस्ट में 3 लाख वोटर है आपके लिए वोट करने जाएंगे, तो दो शब्द उनके लिए उनके सामने रखें। मैं तो उनसे यही बोलूँगा कि मैं उनका गाँव का बच्चा हूँ, आगे उनकी उनका है उनका आशीर्वाद चाहिए बस और दुआएं चाहिए और आया हूँ। और मैं कोई नेता नहीं हूँ ना मैं कोई पॉलिटिकल हूँ, मेरा बैकग्राउंड और मेरा स्ट्रीट मैं एकदम क्लीन हूँ और लड़ने के लिए खड़ा हूँ। आपका सिंबल क्या है सर? बॉटल है। तो ये थे हमारे साथ बैंड्रा ईस्ट असेंबली 176 के उम्मीदवार शेख अब्दुल रहीम जी, धन्यवाद।